नमस्कार, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम, राम राम। सभी भाइयों का स्वागत है आपके अपने चैनल भीमा चित्रा पर। मैं हूं आपका अपना भीम प्रजापति। स्वागत करता हूं हर भाई हर बहन का आपके अपने स्टडी प्लेटफार्म भीमा चित्रा यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा या नहीं होगा, इसी टॉपिक पर आपसे बात करेंगे। तो अगर आप पूरी बात समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आजकल काफ़ी भ्रामक न्यूज़ चल रही है। सबसे बड़ी चीज़ तो आपसे ये बता दें कि आजकल सबसे बड़ी चीज़ जो खबर छाई है आपके मीडिया पर, तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बॉलीवुड ही छाया है। कोई ना पढ़ाई पर, ना कोई रोज़गार पर, कोई चर्चा किसी टॉपिक पर नहीं हो रहा। बस सुशांत सिंह आपके बॉलीवुड एक्टर, दीपिका पादुकोण वगैरह ये सब क्या कर रहे हैं, इन्हीं सब के पीछे मीडिया हाथ धोकर पड़ी है। कौन किसान कहाँ क्या मर रहा है, मेरठ में किसानों का इतना आंदोलन हो रहा है, इस पर कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। बच्चे सुसाइड कर रहे हैं नौकरी के लिए, उस पर कोई चर्चा होने वाली नहीं है। फिलहाल कुछ भाई बहन कमेंट करके पूछे थे कि सर जो है सीटेट का एग्ज़ाम कब होने वाला है, तो उसी विषय में आज हम आपसे बात करने वाले हैं। तो ज़रूरत है कि आप वीडियो को अंत तक देखें और पूरी जो जानकारी है उसको समझ पाएँ। हमने जितनी जानकारी कलेक्ट की है उस जानकारी को आपके पास हम शेयर करना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हमारी बातों को मान लें या फिर सही हो, बट जो सही चीज़ है, जो जानकारी हमें ऑथेंटिक प्राप्त है, हम आपसे वही चीज़ शेयर करेंगे। जैसे कि सबसे पहली बात हम आपसे ये कर दें कि कोई भी एग्ज़ाम, स्पेशल रूप से हम सीटेट की बात करेंगे, तो सीटेट एग्ज़ाम होने से पहले एक महीने पहले ही आपका रोल नंबर इशू कर दिया जाता है। अगर कोई ये आपसे कह रहा है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा, तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ये महीना आपका जो है एंड हो चुका है, समाप्त हो चुका है, तो ना कोई रोल नंबर इशू हुआ है, ना ऐसा कोई सिस्टम है। तो यानी कि आपका जो सीटेट एग्ज़ाम होता है, अगर ऐसा कोई नोटिफिकेशन आता है, तो उससे एक महीना पहले आपका रोल नंबर इशू कर दिया जाता है। बट ये ऐसा कुछ हुआ नहीं है, यानी कि आपका जो एग्ज़ाम सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है वो अक्टूबर में तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये तो बात एकदम से गलत हो गई। ये पूरा आप कंफर्म हो जाइए कि सीटेट का एग्ज़ाम जो होगा वो आपका अक्टूबर में नहीं होगा, उसके अगले महीने में हो सकता है। तो ये चीज़ आज हम आपसे इसीलिए बता रहे हैं कि कोई भी सीटेट एग्ज़ाम होने से पहले आपको क्या है कि पहले रोल नंबर मिलता है, और वो रोल नंबर कब मिलता है, वो एक महीना आपसे पहले मिल जाता है और ये जानकारी आपसे प्राप्त हो जाती है। तो आज हम आपसे यही बात कर रहे थे। और सबसे बड़ी चीज़ आपसे ये कहना चाहेंगे कि इस समय लोग सबसे ज़्यादा फिल्मी दुनिया को लेकर परेशान हैं, और हम आपसे एक चीज़ और शेयर करना चाहेंगे कि अगर ये फिल्मी दुनिया में जो दिखाया जाता है वैसा करके दिखाएं तो सही है, ये फिल्मी दुनिया की बात ही छोड़ दीजिए। हम लोगों को अपने स्टडी पॉइंट से मतलब है, हमें नौकरी चाहिए। इस मुद्दे पर कोई बात करता है तो वो बात समझ में आती है, बट यहाँ आजकल जितने मीडिया वाले हैं सब बस वही लेके पड़े हैं कि भैया ये हो रहा है, रिया खाना खा रही है, सो रही है, करवटें बदल रही है, बस उनको इसी के लिए टाइम है। बच्चा दिन रात मेहनत करता है, 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करता है, एक गरीब परिवार उसको कहाँ से पैसे देता है, इसकी कोई जानकारी इसको कोई दिखाने वाला नहीं है, ठीक है। अब आप देख लीजिए यहाँ डीएलएड का जो संघर्ष चल रहा है, जो भाई बहन ऑलरेडी जिनका बैक लग चुका है उसके बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं है। बच्चे परेशान हैं, इलाहाबाद पीएनपी पे धरना दे रहे हैं, बस उसका कोई भी परिणाम नहीं आने वाला है। बस बोल दिए प्रमोट हो जाएगा, चलिए ठीक, हमने मान लिया कि जो भाई बहन हैं प्रमोट कर दिए गए हैं, ठीक है, उनका सेमेस्टर प्रमोट हुआ है, बट जिनका पहले ही सेमेस्टर में 1-2 सब्जेक्ट में बैक है, उनका क्या? बैक का कोई प्रस्ताव ही नहीं, कोई एविडेंस, कोई सूचना ही नहीं। बच्चों का पूरा जो जीवन है अधर में रखा गया है, अधम में रखा गया है, कुछ क्लियर हो ही नहीं रहा है। इसके लिए भाई हर भाई को खुद से लड़ना होगा, अपने लिए जागरूक होना होगा। सो मैं सभी स्टूडेंट्स को, सभी भाइयों को, सभी बहनों को कहूँगा, अपने हक के लिए लड़िए, सामने आइए, खुलकर विरोध कीजिए कि ये हमारे साथ गलत हो रहा है, तभी कुछ हो पाएगा। तो सीटेट की जहाँ तक आज की टॉपिक थी, सीटेट भैया अक्टूबर में नहीं होगा, ये 100% श्योर है। जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अन्यथा आपको हमारी बातें बकवास लगती हैं तो कोई बात नहीं, आप बिना सब्सक्राइब किए भी वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, नमस्कार। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।